इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में ये जो गतिरोध जारी है इसके बीच विपक्षी पार्टियों ने नई रणनीति बनाई है और वो नई रणनीति ये है कि विपक्षी पार्टियां संसद भवन परिसर में आज मानव श्रृंखला बनाएंगी। अदानी विवाद में जेपीसी जांच की मांग के लिए दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, विपक्ष जो राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता है इसी अदानी मुद्दे को लेकर, तो विपक्ष की तरफ से सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा जाएगा। तो एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात का समय विपक्ष मांगेगा, वहीं दूसरी तरफ आज ही दोपहर 12 बजे संसद भवन परिसर में ही विपक्षी सांसद ह्यूमन चेन बनाएंगे। और इस सबके बीच आपको बता दें, जो राजनीतिक आर पार छिड़ा हुआ है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस को पता है राहुल गांधी ने जो किया वो गलत है, इसीलिए सबका ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अदानी के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। और वहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है, इल्जाम लगा रही है कि सदन बीजेपी नहीं चलने दे रही। उन्होंने यूके पार्लियामेंट से जो हर रोज नया नया इंफॉर्मेशन, नया नया स्टेटमेंट भारत के, पूरा भारत के हित के विरुद्ध, भारत के अपमान करते हुए कर रहे हैं। विपक्ष को डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। तरुण पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छोभी की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने का अधिकार है, और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। ये हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार, और बीजेपी की जो सोच ये देश विरोधी सोच है। तो ये तेवर है पक्ष और विपक्ष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।